एशिया में दादागिरी का दूसरा नाम बन चुके चीन को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान चीन को सबक सिखा ही रहा था, तो दूसरी ओर फिलीपींस ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन चीन के लिए इससे भी तगड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, जिसने पहले ताइवान के साथ मिलकर चीन को घेरने की प्लानिंग बनाई, तो अब प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो समझौतों को रद्द कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि इसी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐलान किया है कि अब वो भारत के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जिन दो समझौतों को रद्द किया है उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में दो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने ने एक बयान में कहा कि ये समझौता चीन के साथ 2018 और 2019 में किया गया था। हमने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि नया कानून संघीय सरकार को निचले प्रशासनिक स्तर पर किए गए उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी की शक्तियां प्रदान करता है जो राष्ट्रहित का उल्लंघन करती हूँ। पाइने ने एक बयान में कहा कि मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के तारतम्य में नहीं है या हमारे विदेश संबंधों के प्रतिकूल है। चीन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव बढ़ने पर विक्टोरिया के साथ सफल व्यावहारिक सहयोग को बाधित करने को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया है। भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहा है ऑस्ट्रेलिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा कि अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया समान विचारधारा वाले भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना जारी रखेगा। चीन संसाधनों से संपन्न इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। रेनॉल्ड्स ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर में किए गए नौसेना के संयुक्त अभ्यास व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। कुछ वक्त पहले ही भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दो दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया था। व्यापक रणनीतिक भागीदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाने और जून में साजो सामान समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के मद्देनजर एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये पहला बड़ा सैन्य अभ्यास रहा। नए कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया ने की जवाबी कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया था जो घरेलू नीतियों में गुप्त विदेशी दखल को प्रतिबंधित करता है। पेइचिंग ने इन कानूनों को चीन के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण और चीन ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में जहर घोलने वाला करार दिया है। माना जा रहा है कि इस नए फैसले से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले ही चीन में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ग्राहम फ्लेचर ने उसे बदला लेने वाला और गैर भरोसेमंद व्यापार साझेदार बताया था। इन दिनों दोनों देशों में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया से चीन को निर्यात किए जाने वाले सामानों में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक साल पहले कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पैदा हुई आशंकाओं के कारण हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के लोगों को अपने यहाँ बसने और वीजा अवधि बढ़ाने का ऑफर भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया है कि हांगकांग में बिजनेस करने वाले लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहें तो वे आ सकते हैं। अंतरिक्ष में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को दिया बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन का एक्सेस देने की अवधि को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। इससे अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति को तगड़ा झटका लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस ट्रैकिंग स्टेशन का एक्सेस खत्म होने से चीन के अंतरिक्ष में खोज वाले मिशन और प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशनल क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचेगा। साल 2011 से चीन इस ग्राउंड एंटीना का उपयोग कर रहा था। स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के जरिए उसने सेंटीना का उपयोग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत दुनिया की कई अन्य एजेंसियां भी इस एंटीना का उपयोग करती हैं। स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में स्थित किसी भी एंटीना का एक्सेस चीन के पास नहीं रहेगा। ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए स्पेसक्राफ्ट जमीन पर मौजूद स्टेशन के साथ एक लिंक बनाते हैं, जिससे सूचना और कमांड का आदान प्रदान किया जाता है।
इन स्टेशन की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ये सैन्य और नागरिक उपयोग में महत्वपूर्ण होते हैं। इनके जरिए अधिकतर पोजिशनिंग सिस्टम को चलाया जाता है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तरह से व्यापार युद्ध छेड़ा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच आयात निर्यात प्रभावित हुआ है।